वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्भय अकाल मूर्त, अकाल मूर्त, अकाल मूर्त, अजुनेश भंग गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनेक बार कर बंदन संतन, उहां चरण गोविंद जी के बसना, अनेक बार कर बंदन संतन, उहां चरण गोविंद जी बसना, चरण गोविंद जी के बसना, उहां चरण गोविंद जी के बसना, मीठे हर गुण हर गुण गा,
हे हर गुण गा जिंदु तू मीठे हर गुण गा मीठे हर गुण गा जिंदु तू मीठे हर गुण सच्चे से ती रत्या मिलया निथावे था और साध सब फिक्के आ तन मन फिक्का होए बिन परमेश्वर जो करे हिट सुजीवन सोए हिट सुजीवन सोए हिट सुजीवन सोए जपो मीठे जिंदु तू मीठे हर गुण गा अंचल गह के साध का तरना ये संसार पार ब्रह्म आराध्य
उतरे सब परवार। आर ब्रह्म आराध्य पर ब्रह्म आराध्य पर ब्रह्म आराध्य उतरे सब परिवार उदरे सब परिवार उदरे सब परिवार पर ब्रह्म आराध्य वाहगुरु 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 जपो वाहगुरु 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 वाहे गुरु 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 हे गुरु मीठे गज गुण गा जिंदु तू मीठे गज गुण गा जपो मीठे मीठे गर गुण गा जिंदू तू मीठे गर गुण गा मीठे जिंदू तू मीठे गर गुण गा साजन बंध सुमित्र सो हर नाम हृदय दे ओगण सब
मिटाए कै पर उपकार करे पर उपकार करे पर उपकार करे मीठे हर गुण गा जिंदू तू मीठे हर गुण गा खजाना छे कर हर के चरण निधान नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुदनो मंगे दान नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुदनो मंगे दान प्रभ तुदनो मंगे दान प्रभ तुदनो मंगे दान मीठे गज गुण गा इस पितर शब्द राही सतगुरु जिंद नूं संबोधन करदे होए उपदेश दे रहे हन। हे मेरी जिंदे परमात्मा जिहड़ा मिठ बोलड़ा है उस मिठ बोलड़े दे मिठे मिठे गुण गाया कर। साहिबां ने बाणी च भी जिक्र कीता है मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो संभल थकी जी
वो कदे ना बोले कौरा मैं चेते करदी करदी थक गई कदे एक भी बोल उसने फिका नहीं बोलिया ते रब दा स्वरूप कैसा जे गुस्साई महिंडा इछड़ा अम अबे थावों मिछड़ा उतना मां प्यो नालों भी मिठा है ते बेनती करा हर जिंद चाहती है मैनू आनंद की प्राप्ति होवे ते आनंद की एको ही परिभाषा जे साध संगत आनंद सुनहो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे जदों कंप्लीट विसूरे मुक जान फिर है सच्चा आनंद असी उस आनंद नूं आनंद समझी बैठे जिहड़ा थोड़ी देर बाद गवा जांदा जे गर्मियां विच एसी रूम च असी बैठे हाँ लाइट ऑफ हो गई असी परेशान हो गए कहदा सुख है इह जीव रहे असी कोई स्वादिष्ट डिश लई रस आया बाद विच रोगी होए तड़फे बड़े रोए आनंद की कोई परिभाषा जे तन गुरमुख दास महाराज समझा गए जे सच्चा आनंद चाहिए गुरु राही प्राप्त होएगा ये आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरते किरपा करे प्यारिया कर किरपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक यह आनंद है आनंद गुरु ते जाने जो ऐसा आनंद प्राप्त होएगा ना फिर दुखों लिए कोई थाव नहीं रहेगी फिर कोई भी सूरा नहीं रहेगा फिर सदा ही चढ़दी कला जे फिर सदा ही आनंद जे ते आनंद मिलेगा गुरु की कृपा नाल गुर प्रसाद ओए आनंद पावे आखो वाहिगुरु एक कम कर लेना तुसी सारे ने यह आनंद तुहाडे सारे दे घरां च वरत जाएगा गुण गाए गोविंद आनंद उपजै साध संगत संग बनी आखो वाहिगुरु जदों संगत भी आके गुरु गुरु जपोगे यह आनंद सारे दे अंदर प्रगट हुंदा जे मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम खुशियां दे रंग टंग बनदे ने परमेश्वर की सिफत करके कीर्ति करके दूसरी बेनती हर दिन चाहती है मैनू माण मिले कोई भी निमाणा नहीं होना चाहता ये निमाणी क्यों हो गई है साची लिवै बिन देहे निमाणी इसकी लिव टुट चुकी जे ते हुण लिव लग जाए इसनू माण मिल सकता है ते लिव किवें लगेगी अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिव लाए ज्यों ज्यों जपते जाओगे एक दिन लिव लग जाएगी ते जिन्हां दी लिव लग गई कीमत पाए ना कहिया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वो जपण वाले तेरे विच ही लीन हो गए वो तेरा रूप बन गए तेरा रूप बन गए गुरमुख प्यारियां नूं बजुर्ग सवेरे सवेरे मिले ते गुरमुख प्यारियां ने पुछया किधरों आए हो ते किधर जा रहे हो बुजुर्ग कहन लगे दो काम मैं घरों करके आया ते दो गुरुद्वारे जाके करन चलिया ते पुछया गुरमुखा ने दो काम घरों केड़े करके आए हो कहिंदे मेरे सतगुरु दा हुक्म सी अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाम मैं अमृत वेले उठ के चौंकड़ा मार के गुरु गुरु जपया है ये हुक्म जे साडे लई धन गुरु रामदास महाराज ने सिख के जीवन का टाइम टेबल दसिया साडा दिन किवें आरंभ होना है गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवै उठदिया पहला वाहिगुरु का सिमरन करिए चाहे 15 मिनट तो आरंभ करो किसी को घंटा किसी को 2 घंटे ने किसी को अद्धा घंटा पर मिनीमम 15 मिनट घट्टो घट वाहिगुरु का सिमरन करिए अज घर कलेश क्यों है कल्पना क्यों अजे खपना खिंजना क्यों है क्योंकि सिमरन के छिट्टे नहीं पै रहे साडे जीवन इसे करके तप रहे इसे करके खप रहे हैं धन गुरु नानक साहब के बचन ने हर बिन जियो जल बल जाओ सिमरन तो टुट के अंदरला कल्प रहा जे अंदरला तड़फ रहा जे मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर ना ही था जदों मैं गुर परमेश्वर नूं पुछिया तो मैंने कहा सिमरन तो बिना सुखां लई होर कोई थाउ नहीं जे जियो तपत है बारो बार अंदला तप रहा जे तप तप खपै बहुत बेकार क्यों कल्प रहा है क्यों खज रहा है जय तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विरलाए इसनों नित नेम खुंज गया इसनों नेम भुल गया
ते पूछिए हुण अंदरला शांत किवें होएगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने एक नुकता दसिया, जे चाहुंदे अंदर ठंड पै जाए तुहाडे शांति वरत जाए। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे अकाल मूर्त अजूनी संभव, मन सिमरत ठंडा थीमा जियो, ज्यों ज्यों उसनों जप रहे हैं अंदर ठंड पै रही जे, बल तो जल तो अंदरला तप रहे है, सड़ रहा खप रहा खिज रहा। इस सड़दे हुए मन के उत्ते की होया, तौकिया गुरचंदन शब्द रूपी चंदन का छिड़काव किया, सीत लायो, आ देखो ठंडा टार हो गया। शीतल थी वै नानका जपंदरोहा नाम, गलां बातों नाल अंदर ठंड नहीं जे पैनी। ज्यों ज्यों सिमरन करोगे अंदरला शांत होता जाएगा। तुहाडा कुछ समा मैं सिमरन च बैठिया ते दूसरा काम बजुर्ग कहन लगे जिहवा जप गुर नाउ। गुरु का हुक्म सी पंजा बाणियां दा नितनेम करन दा, ते हुण पंजा बाणियां दा नितनेम करो करके आया। ते पुछिया गुरमुखा ने हुण दो काम गुरद्वारे किहड़े करन चले हो, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाउ आखो वाहिगुरु। इन्हां नेत्रां राही गुरुद्वारे जाके धन गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करांगा। असीं अपने आप नूं पुछिए महीना महीना असीं गुरद्वारे नहीं आउंदे, पुछदियां जी संगरांद किदण है। गुरमुख च कोई संगरांद कोई मसिया कोई पूर्णमाशी वाली थां नहीं जे। थित्ती वार सेवें मुगत गवार, जिहड़े थित्तां ते वारां नूं मनदे ने धन गुरु ग्रंथ साहिब का फरमान है मूर्ख ते चले हन। साडे लई हर समय जदों भी असीं गुरु गुरु करिए वह सुहेला जे, असीं दिन ते थित्तां नूं नहीं मनना। गुरु का सिख सदा ही गुरु की संगत में आता है। नेत्री सतगुर पेखना ते चौथा काम गुरुद्वारे जाके कथा ते कीर्तन सुनना, हूँ श्रवणी सुनना गुणा। जदों चार काम होए ते पुछया हूँ मिलेगा कि आ चार काम तुसी सारे करने शुरू कर दे, महीने बाद हूँ गुरुद्वारे नहीं आना, सैटरडे संडे मत्था टेक नहीं आना। गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक के संत ज्ञानी निरंजन सिंह पटियाले वाले कहिंदे सी जदों भी गुरुद्वारे जाइए जे समा ज़्यादा नहीं ना कथा कीर्तन नहीं हो रहा दवा नहीं लग्या, ढाई मिनट घट्टो घट वाहिगुरु का सिमरन करके गुरु से हजूरी दे विच सिमरन करके जायो। शब्द की भेटा करो, एक चपई साहब का पाठ कर जाओ, मूल मंत्र कर जाओ, केवल ढाई मिनट गुरमुखा के बचन ने तुहाडी हाजरी लग जाएगी। मत्था टेके वापस नहीं जाना, उस समय एक नेम बनाओ। तो जे चार काम तुसी रोजाना करने शुरू कर दते, हुण सतगुरु बख्शिश करके कह रहे ने सतगुर सेती रतियां रंगे जाओगे, ते जेडे रंगे गए वह मालक नू पा गए। दरगह पाई है ठां उन्होंने दरगाह दे वी थां दे देंदा जे। कहो नानक किरपा करे जिसनों ये वस दे, जग मैं उत्तम काढ़ियां विरले कही के वह श्रेष्ठ हो गए विरले हन। मैं देखिया जीवन जिस जीवन दे च बेरसी होएगी ना उसका जीवन फिका रहेगा। रसा चो श्रेष्ठ रस है मिठा, असी फ्रूट खरीदते ना सुंघ के देखते हैं कि फिका तो नहीं। गन्ने विच मिठास है रस करके उसकी कीमत जे, तो लस्सी की कीमत मक्खन करके है। ऐ बंदिया तेरे जीवन की कीमत बंदगी करके है। पंथ रतन भाई साहब जसवीर सिंह जी खालसा खन्ने वाले विचारां कहिंदे सी बंदगी ही जिंदगी है, जिस जिंदगी विच बंदगी नहीं वो गंदगी जे वो जिंदगी नहीं जे। ये गुरमुखां दे बचन ने। ते जीवन बेरसा होएगा ना उसकी तकनी भी फिक्की होएगी, उसका मन भी फिक्का होएगा, उसके कलम भी फिक्के होंगे, उसकी चाल भी फिक्की होएगी, तो मैं कह दिया उसके बोल भी फिक्के होंगे। आसा दी वार अंदर बड़े करड़े शब्द कहे ने, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदी है फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगह सटी है मूँह थुक्का फिक्के पाए। फिक्का बोलन वाले नूं अगे जाके थुक्का पैंदियां है। फिक्का मूर्ख आखिया पाणा लह सजाए फुक्के नूं, फिक्का बोलन वाले नूं जुतियां दी मार पएगी ते मूर्ख दा खिताब मिल दिता जाएगा। ते आओ फिर जे सारे रस फिक्के ने दुनियावी, श्रेष्ठ रस केड़ा है जिस रस दे लई आपां तीन दिनां तों लगातार सवेरे अते शाम दीवाना शाजरी पाए हाँ, ये रस प्राप्त हो सके और किवें मिलेगा। अगले शब्द सतगुरु जुगत समझा रहे ने, हर रस पीवै अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो छेरे।
हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे अलमस्त मतवारा, हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे अलमस्त मतवारा, हर रस पीवे, पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे अलमस्त मतवारा, हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे अलमस्त मतवारा, जपो हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे अलमस्त मतवारा, आन रसा सब हो छेरे, आन रसा सब हो छेरे, हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे अलमस्त मतवारा, जपो हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे अलमस्त मतवारा, हर रस पीव सत ही राता, आन रसा खिन में है लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद, आन रसा में व्यापे चिंद, हर रस के माते मन सदा आनंद, आन रसा में व्यापे चिंद, आन रसा में व्यापे चिंद, आन रसा में व्यापे, हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे अलमस्त मतवारा, हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे अलमस्त मतवारा,
हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे, अल मस्त मतवारा जपो हर रस हल मस्त मतवारा। हर रस की कीमत कहीं ना जाए, हर रस साधु हाट समाए, लाख करोड़ी मिले न के जिस है परापर इस ही दे, लाख करोड़ी मिले न के जिस है परापर किस दे, जिस है परापर किस दे, जिस है परापर किस हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पीवे, हल मस्त मतवारा हर रस पीवे, हर रस पीवे, हर रस पी, हर रस पीवे, हर रस पीवे, हल मस्त नानक चाख पे विस्वाद, नानक गुर के आया साद, ईट कत छोड़ न जाए, नानक गीता हर रस माहे,
छोड़ न जाए इत कत छोड़ न जाए नानक गिदा हर रस हर रस महे हर रस महे हर रस महे हर रस महे हर रस वाहगुरु 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 जपो हर रस पीवे हर रस पीवे अल मस्त मतवारा हर रस पीवे हर रस पीवे अल मस्त मतवारा हर रस पीवे अल मस्त मतवारा आन रसा सब हो छेरे आन रसा सब हो छेरे आन रसा सब हो छेरे हर रस पीवे हर रस पीवे अल मस्त मतवारा जपो हर रस पीवे हर रस पीवे हर रस पीवे हर रस पीवे अल मस्त मतवारा 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 वाहे गुरु नाम बिना जो पैरे खाए ज्यों कुकर जूठन में पाए गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई वीर सिंह जी बरांडे च बैठे सी कुछ चिड़िया चोग चुग रही सी ते भाई साहब भाई वीर सिंह देख के विस्माद भी चले गए इतना शुकराना हर चिड़ी चोग चुगदियाँ शीश झुका रहे सी मालक तेरा शुक्र है
सानू परमात्मा ने रहने लिए सोहनिया सोहनिया थावां इन्हां मुल्कां दित्तियां, सोहणे सोहणे कारोबार दिते, सोहणा तंदुरुस्त शरीर बख्शिया, 36 प्रकार के खाने लिए पदार्थ दिते ने। ते असीं अपने अंदर झात मारी असीं कितना कुछ शुकराना कर रहे हैं। पंथ रतन भाई साहब जसवीर सिंह जी खालसा खन्ने वाले बार बार ये पंक्ति अपनियां विचारां सुनाया करते सी, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग ते कापड़ अंग चढ़ाया। जे प्रशादा छकण तो पहला वाहिगुरू नहीं किया, भाई साहब भाई वीर सिंह कहिंदे ये तुहाडे लई रोगां दा कारण बनेगा। ते जे प्रशादा छकण तो पहला वाहिगुरू कह के बुरकी मूँह च पाई, भाई वीर सिंह लिखते ने ये अमृत बन जाएगा, रोगां तो बचाएगा। चाहे प्रसाद 36 अमृत खाए, उसकी कृपा नाल मिले ने, तेरी मेहनत करके नहीं। तिस ठाकुर को रख मन माहे, ते वाहिगुरु कह के छकिया कर। जे तन ते नवा कपड़ा पाया, तेरी कृपा नाल मिलिया, शुक्र है तेरा। सौण तो पहला वाहिगुरु कह के सोई, तेरी नींद भी सुहेली हो जाएगी। नींद सुहेली नाम की लागी पूख, कैसी जुगता ने। तेनू रहन लई मंदिर मिलिया, सोहना मकान मिलिया ना, उसकी कृपा नाल मिलिया। जे जय प्रसाद बसै सुख मंदिर, तिसै ते आए सदा मन अंदर। क्यों नहीं याद करता फिर उसनों, किते ग्रह विच प्रवेश करदे आ, इह चेता रहे इह मालक तेरी दात है, तेरी कृपा नाल मिली है। जय प्रसाद पीवें शीतल जला, ये ठंडियां हवावां दा सुख, ठंडे पानी उसकी कृपा नाल मिले ने। सुखदाई पवन पावक मुला, क्यों नहीं याद करता। ये सतगुरु ने बड़े करड़े शब्द वरते ने। फिर जित मुख नाम न उचरे, बिन नाम है रस खाए। नानक एवें जानी है, तित मुख थुक्का पाए। जेड़े वाहगुरु कह के खा रहे ने, वाहगुरु कह के पी रहे ने, उन्हां ते कृपा होएगी। जेड़े बिना नाम लए तो खा रहे ने, थुक्का पैणगियां मुंह जाके। इतनी बड़ी गल कह गए। एक रुमाल साडा जमीन ते डिग जाए ना, इन्हां मुल्कां च असीं थैंक्स करदे नहीं थकदे। कोई भी चीज़ डिग जाए ते जिस परमात्मा ने 84 लख जूना चो कढ के हीरे वर्गा अमोलक जन्म दिता है, उसका शुकराना करनगे। भुल गए सी इतने किरतकण हो गए। किसी नाल गल करके देखो, अमृत वेले कितना समा सिमट बैठे हैं। नितने पंजा बाणियां दा होया, शाम नूं रहरास होया, सुहेला करके सुत्ता, कहिंदा जी जप जी मसां ही होया, दौड़ लगी पई है विहारां दी। ये नहीं असीं किरत नहीं करनी, किरत भी करनी है, आराम भी करना है, जिम्मेवारियां भी निभाउणियां ने। 24 घंटिया चों गुरमुख प्यारे कहिंदे सी घट्टो घट्ट 2.5 घंटे का दसवंध सवासां का कढ़ीए, घट्टो घट्ट 2.5 घंटे कढ़ो। संत ज्ञानी निंजा सिंह पटियाले वाले दे बचन ने, कहिंदे जदों भी अख खुले सिख दी, 5 बार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कवे। सौण लग्या भी 5 बार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कवे। संत ज्ञानी निंजन सिंह पटियाले वाले कहिंदे कई जगह का फल दे, कई जगह का फल है। गुरु नूं तन तन कहना, इशनान करदियां कहिंदे सी केवल वाहिगुरु वाहिगुरु करना शुरू कर दिओ, मूल मंत्र करना शुरू कर दिओ, फिर खेड बरतेगी, फिर जीवन सुखी होएगा। रस किवें मिलेगा, अज दा विशा सी नाम रस केड़ा है। दुनियावी रस फिके ने, ते नाम रस की प्राप्ति किवें होएगी। ते बेनती करा, 9 मायावी रसां दे विच मेरा चित उलझा पिया। जितनी देर तक ये 9 मायावी रसां विचों सुरती बिरती बाहर नहीं जाएगी, खिमा करना नाम रस नहीं जे मिलना। वो 9 कहड़े रस ने, चस्के ने, रस सोयना रस रूपा कामण, रस परमल की वास, किसे नू सोने दा मोह, किसे नू चांदी दा, किसे नू कामण दा, किसे नू सुगंधियां मलण दा चस्का दे। रस कोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मासे, 9 दी गिणती जे पूरी। मखमली सेजा ते सौना, डिशां खानियां, मास खाना, ये भी चस्का दे। रस मीठा रस मास, ते पता बाबा नानक की कह गए, इते रस शरीर के कह कट नाम निवा। इतना कूड़ा करकट अंदर पाई बैठे, रस नाम कितने पावां। ते चाहुंदे हो मिल जाए हुण रस। 4 दिनां तो आपां रस की प्राप्ति लई इत्थे जुड़ रहे हां सवेरे शाम। जीवन का मनोरथ ही नाम रस की प्राप्ति। जे
ये बाबा कबीर जी एक नुस्खा देंगे, वो नुस्खा मैं भी वरतना है। तुहाडी असीस तो बिना इस राह ते तुरिया नहीं जाना, ना अज तक सेवा हुई है ना कोई घालना दे। आप संगतां ने सीस ते हाथ रखना है, मेहर भरिया हाथ रख के अमृत दृष्टि पा के इस राह ते आप तोरना दे, तां कमाई होएगी, आप जी की असीस मिले। तो बाबा कबीर जी का नुस्खा मैं भी वरतना है, आप सारे ने नुस्खा की दस गए। रारा रस निरस कर जाने, हुए निरस सो रस पहचाने, बस दुनियावी रसा फिक्का ते बेस्वाद समझ के छड़ दे। हुण अज तो बाद शराब ना पीए, नशा ना करे। बंदा शराब नहीं पींदा, गुरमुख प्यारे कहिंदे संत बाबा अजीत सिंह नथनपुर वाले ब्रह्म ज्ञानी होए ने, कहिंदे बंदा शराब नहीं पींदा, शराब बंदे नूं पी जांदी, जे नशा गाल देगा तुहाडा जीवन तबाही दा राह है। अज तो बाद रोमां दी बेदबी ना करी, केस गुरु दी मोहर है। साडियां रगां अंदर सरबंस रानी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का खून, जे उन्हां शहीदां दा खून है। तो शीशे मूहरे चेहरा खड़ा करके देख अपने आप नूं कि तेरा सरूप उन्हां नाल मिलदा है, क्यों नाई को जा रहे हैं, क्यों इन्हां रोमां दी बेदबी कर रहे हैं। जे जीवन बदलेगा गुरु की मत नूं, जो अपने कर्मां च लैके आओगे, मन मत छड्डोगे, गुरमत जीवन च लैके आओगे, फिर बख्शिश मिलेगी गुरु की। अज सतगुरों ने अपार बख्शिश की, 6 लाख प्राणियों ने खंडे बाटे की भल उम्र की दात प्राप्त की है। तंता दे योग ने, छोटे छोटे बच्चे दास ने देखे है। जदों घर पहुँचे उच्ची जकारा गाया उन्होंने खुशियां दे नाल, चाहे बच्चों कह रहे आप कि संभाल नहीं होनी, पर तन तन बाबा अतर सिंह मस्ताने साहब वाले क्या करते, जे किसी का मन चौ आ जाए ना, उत्साह आ जाए, चाहे 5 साल का बच्चा उम्र ना देखे हो, पता नहीं किसे जन्म का कर्म फलीभूत होया, उसके अंदर उत्साह पैदा होया। इन्हों दोनों बच्चे अंदर चौ सी, कुदरती माता जी टिले हो गया, वो नहीं पेश हो सके। इस करके गुरु कृपा करे, आप संगतां दी असीस मिले, सारा परिवार गुरु वाला बन जाए, आप गुरु के रस्ते से तुरीए। होए निरस सो रस पहचानिया, जदों मायावी रसा नूं मन करके छड्डेगा ये फिक्के ने, फिर वह रस की प्राप्ति होएगी। तो जिन्हां नूं रस मिल गया उन्हां दी निशानी की जे, ये रस छाडे ओ रस आवा, पहला उन्हां मायावी रस छड्डे ने मन करके, फिर रस प्राप्त होया। ओ रस पिया ये रस नहीं पावा, जिन्हां गुरु की कृपा नाल नाम रस प्राप्त हो गया, फिर दुनियावी रसा वल मुख मुड़ जाएगा। ये हर रस करमी पाई है, सतगुर मिला जी साहब बख्शिश करके मिलेगा। जिथे भी अमृत संचार होवे, जिन्हां दे अज भाग नहीं जागे, अपना मन बनाइए, नाम रस प्राप्त होएगा। जदों असीं गुरु नूं अपना मन देवांगे, शब्द च कहा हर रस की कीमत कही ना जाए, कित्थे मिलदा हर रस साधु हाट समाए, इस सत्संगत विच गुरु की हट्टी ते मिलदा जे, ते लखां करोड़ां दे के नहीं मिल सकता है। लाख करोड़ी मिले ना कहे, जिसै प्राप्त तिस ही दे, ते किन्हां नूं दिंदा मन दे राम लिया है मुल, जिन्हां अपना मन दे दिता। तन भाई लैणा जिन्हें मन ही दिता सी ना, नाम रस प्राप्त हो गया। तन तन बाबा अमरदास जी ने मन ही दिता सी, 12 साल लगातार गागर की सेवा निभाई है, उन्हें मन ही दिता ना। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उम्मा तो यह बनया भी मुकाम ते पहुँच गए। तन भाई जेठा जी ने मन ही दिता, 24 साल दिन रात की निरंतर घालना सी उन्हां दी, ते 24 साल की घालना तो बाद नाम रस मिलिया। आपां की बोलदे आ, तन तन रामदास गुर जिन सिरिया, तिने सवारिया दे मुकाम ते पहुँच गए। तन गुरु अर्जन देव महाराज, उन्हें मन ही दिता, ते तन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दे पातशाह बन गए। पिरसिया पिरसिया रह गया, राम राय रह गया, नहीं दाता लै सके। ये दात मिलेगी, अपना मन बेचा सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास, ते अपना मन देना। जदों भी मन दोगे ना, तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिया पाई है, कंप्लीट समर्पण हो जाना। तन गुरु ग्रंथ साहब तुहाडे सिर ते हाथ रखण। बस इको बेनती दास ने दोपहर के दवाना च भी की सी, जो मैनू इतों के नौजवानों ने एक शिकायत दी सी कि लोहड़ी का त्यौहार कल भी 4 गुरुद्वारा साहब जिथे मनाया गया। दास ने दुपहरे भी कहा कि इत्थे दुविधा बड़ी है, आपस में तालमेल नहीं, तो तन गुरु ग्रंथ साहब का बचन जे, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए,
आओ रल के बैठो, एकता का सबूत दिओ, छड्डो दुबधा नूं, इह मेर तेर छड्डणी पएगी। हर नामै की होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा पछा, यह है गुरमत का सिद्धांत। आप रल मिल के बैठना है, छड़िए वितकरे वंडिया। इत्थे जातां दे नाते, धर्म के नाते, पातां दे नाते क्यों असीं वंडियां पा रहे हैं? सिख कौम एक जे, खालसा एक है, एक दा पुजारी है। कि असीं होर सारियां वहमां परमां चों कढ के सतगुरों ने सानूं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने न्यारापन दिता है। परम पेखते रह न्यारा सो खालस सतगुरु हमारा। मेरा खालसा कोई लोहड़ियां नहीं मनाउंदा, कोई रखड़ियां नहीं बनदा, केवल असीं दसां गुरुआं दे प्रकाश पुरब, गुरगद्दी पुरब, ज्योति जोत पुरब, साखी खालसे का साजना दिवस, जितने शहीदां ने उन्हां दे दिन मनाउणे ने। होर कोई भी तिन त्यौहार संबंधित है समाज नाल, मुबारक है सारे मनान, अपने इष्ट का सत्कार करन। असी गुरु घर आना है, धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नाल जुड़ना, एक एक सहज पाठ घर आरंभ करिए, पंज अंग रोजाना करो, सैंती सहम लाओ, बच्चों नूं चरनी लाइए। ये बच्चे कौम का भिख हैं, जे आपां बच्चों नूं संभालिया ना तुहाडा जीवन खुशहाल होएगा। बच्चे पतित हो रहे हैं, साढ़े हत्थां चों निकल रहे हैं, कसूर साडा अपना वड्डियां दा। किते दादी माँ तन तन माता गुजर कौ, जिहड़ी पोतरियां नूं अपने विरसे नाल जोड़दे रहे, अपना इतिहास जोड़िया। अज वो बच्चों ने 7 अते 9 साल की उम्र च अपने आप नूं जिंदा नीहां च ना लिया, केवल वड्डियां दा संस्कार बीर सी, ते अपना फर्ज बनता है। इन्हां मुल्कां च आपां बच्चों आरंभ तो मूल मंत्र गुरमंत्र हौली हौली ज्यों ज्यों वड्डा होवे जपजी साहिब दा पाठ कंठ कराइए, चरनी लगाइए, गुरुद्वारे आप उंगल फड़ के लैके आइए, अरदास करो, साडे बच्चों नूं गुरसिखी की दात प्राप्त हो सके जी। बहुत ही प्यार वाले भाई साहिब भाई रणतीत सिंह जी, हजूरी रागी संतखंड श्री हरिमंदर साहिब, जो प्रार्थना मर्यादा अनुसार जो परंपरा है हरिमंदर साहिब की, उसे नूं अपनाते हुए सतगुरां दी अपार बख्शिश द्वारा कीर्तन द्वारा जुड़नगे आप जी नूं। समा जितना आप जी ने बख्शिश किया, इतने समय रहिंदे आ, अनेकां भुल्लां हो गईयां होणगीयां जी, खिमा करना अगे वास्ते शीस बख्शनी, गुरु की मत उत्ते नज़र करके सेवा हो सके। प्रबंधक कमेटी का नौजवान वीरां दा दास ऋणी है, जिन्हां अंदर बहुत ही उत्साह है, तो आप जी पूरा सहयोग दो इन्हां नूं, आने वाले समय च होर ज़्यादा चढ़ती कला विच आपां सतगुरां दी बख्शिश द्वारा एक गुरमुख समागम लिखांगे जी। आओ अगला प्रोग्राम प्यार नाल सरवण करना जी, फुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।